नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम मिलकर बनाएंगे बादल जैसे स्वादिष्ट दूध मालपुआ की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें। और हमेशा की तरह अगर मेरी रेसिपी को पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर देर किस बात, चलो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दूध मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम चीनी लिया है, 100 ml पानी लिया है। अब हम अच्छे से स्टर करेंगे और इसे हम तब तक स्टर करेंगे जब तक हमारा चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा चीनी मेल्ट हो चुका है। चाशनी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। सिर्फ एक से दो तार आने तक हम इसे उबालने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 स्पून इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आप 2 से 3 इलायची कूट कर डाल सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हो हमारा चाशनी ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो हमें इस तरह से चाशनी चाहिए। तो अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे हम साइड में रख देंगे। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 3 कप फुल क्रीम दूध। वेट से मेजर करें तो 750 ml। तीन कप दूध डाल दिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसे हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे उबालने देंगे। तो ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम पे दूध को हम लगातार चलाएंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और आप देख सकते हो दूध में बढ़िया से उबाल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे दूध को हम रिड्यूस करेंगे। इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे 8 से 10 केसर के धागे। इससे क्या होगा, दूध का कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ध्यान रखिएगा, दूध को हमें लगातार चलाना है, इसे छोड़ना मत। और जब भी आप इसे स्टर करें, बटन से स्टर करें, साइड से भी स्क्रब करें। तो इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे 3 बड़ा चम्मच के करीब घी। घी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते ही हम मेल्ट होने देंगे। और आप देख सकते हो घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, दूध का कलर भी चेंज हो गया है। इसी टाइम हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चीनी। आप चाहे तो किसी भी चीनी भी ऐड कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हो तो आप चीनी स्किप कर सकते हो। अगर आपको बाजार जैसे मालपुआ चाहिए तो आप इसी टाइम चीनी ऐड करें। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते ही चीनी को हम मेल्ट होने देंगे। चीनी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, दूध हमारा काफ़ी रिड्यूस हो गया है, आप देख सकते हो। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे लगातार हम चलाएंगे। अब हम दूध को हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूध हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी मैदा लिया है और मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक से ज़्यादा ना ऐड करें। और इसे हम लगातार चलाते ही मिक्स करेंगे। ध्यान रखें इसमें लम्स ना रहे, आप चाहे तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हो। इसमें और भी मैदा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते ही एक बेटर तैयार करेंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। पूरा मैदा डाल दिया है मैंने और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बेटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए, पतला बेटर हमें नहीं चाहिए। तो अगर आपको बेटर पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा मैदा और भी ऐड कर सकते हो। अगर हमारा बैटर पतला हो जाए तो ये फ्राई करते वक्त फटने लगेगा। तो हमारा बैटर तैयार है और ये पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको बाद में दिखा देती हूँ बैटर की कंसिस्टेंसी। इसे हम साइड में रख देंगे और आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। घी को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। और इसमें हम बैटर डाल देंगे। तो देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी, हमें इस तरह से बैटर चाहिए। ऊपर से हम ऑयल स्प्रेड करेंगे। अभी आपको पतला बैटर डालकर दिखा देती हूँ। अरे देखिए इसका शेप। तो अगर आपको बैटर इस तरह सा हो जाए
तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करें। मालपुआ को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आप इसे पलट देंगे। देखिए हमारा मालपुआ अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसे हम निकाल देंगे। और इसका कलर आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, तो इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। और सेम प्रोसेस में हम सारे मालपुआ को तैयार करेंगे। ऊपर से हम ऑयल स्प्रेड करेंगे और इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। और आप देख सकते हो मालपुआ का कलर कितना बढ़िया लग रहा है ना, इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे। और इसे हम गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे। चाशनी को हम लो फ्लेम पे हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम मालपुआ डालेंगे एक एक करके, और इसे इस तरह से हम डिप करेंगे। चाशनी में मालपुआ हम ज़्यादा टाइम नहीं रखेंगे क्योंकि दूध मालपुआ बहुत ही सॉफ्ट बनता है, ज़्यादा टाइम रखेंगे तो ये टूटने लगेगा। तो इसे हम निकाल देंगे। और सेम प्रोसेस में हम सारे मालपुआ को इस तरह से डिप करेंगे। तो ये भी हमारा तैयार है, इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा बाजार जैसे स्वादिष्ट दूध मालपुआ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऊपर से हम बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे ताकि देखने में और भी अच्छे लगे। और ऊपर से हम थोड़ी सी चाशनी डाल देंगे। तो आप भी इसी तरीके से घर पर जरूर ट्राई करें दूध मालपुआ, ये बच्चे बड़े सभी के बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।